राधे मेरे प्यारी वाईटी फैमिली, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रीना शर्मा और आप लोग हैं माय लाइफ आफ्टर माय हस्बैंड चैनल पर। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, ईशान स्कूल चला गया है और मैं मेहंदी थोड़ा सा मिलाकर रख रही हूँ बालों में लगाने के लिए। हालांकि अभी नहीं लगाना, ये VLCC का मेहंदी है और ये अच्छा है। मतलब ऐसे तो नहीं है कि यही हम लगाते हैं, जो मिल जाता है वो लगा लेते हैं। तो फिलहाल तो ये लेकर आए थे तो यही लगा रहे हैं, तो इसको मिलाकर अभी रख दे रहे हैं। और थोड़ी सी चाय की बर्तन है उसको पहले धो लेते हैं। तो ईशान स्कूल चला गया है और आप लोग देख सकते हैं तवा कढ़ाई सब उल्टा रखा हुआ है, यानी कि सुबह से किचन में कुछ खाना नहीं बना है। अभी 6:30 हो चुके हैं, इसलिए नहीं बना है क्योंकि कल रात में समोसे बनाए थे, ईशान का मन था समोसे का। फिर नमक पारा बनाए थे जिसको हम लोग बिहार में निमकी बोलते हैं, और आज उसके स्कूल का लास्ट डे है तो बोला मम्मी निमकी दे देना और बिस्किट दे देना लंच बॉक्स में, तो वही ले गया है और समोसे खा कर गया है। तो समोसा जब तक रहेगा तब तक वो खाएगा, और इसी वजह से हम कभी कभी बीच बीच में बना भी देते हैं कि बच्चा है बाहर का वो खाता ही नहीं है, क्योंकि आलू उसका, आलू में जो मसाला डाला जाता है वो तीखा होता है तो नहीं खाना चाहता है। तो थोड़ा ही बहुत घर पे ही बना देते हैं और वो खा लेता है मन से। तो ये करने के बाद सोच रहे हैं कि नहा ले, क्योंकि सफाई का काम तो ईशान के रहते ही हम कर लिए थे, बेड वगैरह क्लीन कर लिए थे और झाड़ू भी लगा लिए थे। और इधर जब सुबह उठकर मतलब नहा वहा के पूजा करना रहता है तो हम सोचते हैं कि पहले नहा ही ले, उसके बाद में फिर बाद में पोछा लगते रहेगा। तो ये देख सकते हैं मेरा क्या हालत हो गया है चेहरे का, आँखें मतलब सूजी सूजी सी लग रही है ना। और ऐसे लाइट किचन का सामने का इतना ज़्यादा आता है कि चेहरा इतना चमक रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों आँखों में स्वेलिंग सी रह रही है। और जब बाथरूम में गए तो देखे कि बेसिन के पास जहाँ ज्वाइंट होता है नीचे से पाइप वहाँ लीक कर रहा था, और एक वेस्टर्न टॉयलेट जो है, हमारे यहाँ दो बाथरूम है तो एक में जो इंडियन है एक में वेस्टर्न है, उसके पाइप के पास भी लीक कर रहा था। तो सोचे चलो वाइट सीमेंट लगाते हैं। तो ये देखिए ये जो बेसिन है सिंगल बाथरूम जो है उसके बेसिन के पास नीचे से ऐसे जॉइंट के पास से लीक कर रहा है। तो सोचे कि ये मतलब ऐसा तो नहीं है, इसका यूज़ भी बहुत कम ही होता है लेकिन फिर भी ऐसे लीक करता है तो छीटा पड़ता है, तो इससे अच्छा इसे वाइट सीमेंट लगा कर देखते हैं, जो कि हम अभी तक कभी पहले नहीं किए हैं। आज फर्स्ट टाइम हम वाइट सीमेंट छुएंगे, लगाने जा रहे हैं, देखते हैं लगता है या नहीं लगता है। तो हम वाइट सीमेंट पहले तो सोचे बर्तन में ले ले, फिर सोचे ना बाथरूम में ले जाएंगे बर्तन में ले, मतलब कैसे खाने पीने का बर्तन है किचन का। तो इसको हम पन्नी के ऊपर यानी कि पॉलीथीन के ऊपर ले लिए हैं, और जब हम इसको मिला रहे थे तो ये ना गीला हो गया, इतना ज़्यादा गीला हो गया, हम सोचे कि जा ये तो ऐसे हो गया ले ही जैसा बन गया, तो इसमें थोड़ा सा और वाइट सीमेंट मिला देते हैं। तो ये होता है कि फर्स्ट टाइम कीजिए तो काम कभी कभी बन भी जाता है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है। लेकिन जब हम ऊपर से वाइट सीमेंट लेने के लिए फिर से पन्नी मतलब जो जहाँ था पैकेट खोले, तब तक ये ना जम गया था, तो वैसे ही फिर लगाएं। उसके बाद हम आगे ये लाइफ बॉय का ऐसे है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लाइफ बॉय का हो या मिस्टर मैजिक का हो, डिटॉल का हो, तो ये सभी सैसे अभी हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। पहले साबुन वगैरह अलग रखते थे लेकिन अब ये अच्छा रहता है ना, किफ़ायती पड़ता है। और ये देखिए वाइट सीमेंट लगाने से क्या हो गया ना, रफ़ हो गया है पूरा। इसी वजह से वाइट सीमेंट लगाना हो ना तो क्या कीजिए कि ग्लव्स पहन कर लगाया कीजिए। तो चलते हैं अब, ये है लिक्विड डालना है, मतलब सैसे डालना है घोल के। और बच्चों को ना कभी भी ये काम नहीं करने दीजिएगा, मेरे यहाँ ईशान करता है जिद की लाओ मम्मी हम डाल देते हैं, तो ये तो बहुत आसान काम है, लाओ हम नहीं गिराएंगे कर देते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देते हैं क्योंकि इसके इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना कि जब आप डालेंगे डब्बे में ना तो उड़ता है और नाक में जाता है ना, तो अजीब सा सफोकेशन सा होने लगता है। तो इस वजह से हम ही ये सब काम करते हैं और आप लोग भी कीजिए, बच्चों से ये काम नहीं करवाइएगा कभी भी, क्योंकि बच्चे चाहते हैं करें। और हम मेहंदी लगा लिए हैं नहा वहा कर, नहा कर पूजा करके चाय पीकर हम मेहंदी लगा लिए हैं। 9:30 हो गया है, सोचे थे पहले लगा लें लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण लेट हुआ और हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। तो ये तो बताएंगे नहीं, आप लोग देख कर समझ ही गए होंगे कि क्या है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्या है। और 11:30 से फिर हम लग गए किचन में खाना बनाने में, तो मॉर्निंग से तो कुछ बनाए नहीं थे। और ये तो आप लोग को पता ही होगा भिंडी तो बनाना ही बनाना रहता है क्योंकि ईशान का फेवरेट है, और ये बोड़ो बनाना है, इसकी सब्जी बनानी है। और दाल बनाएंगे आज मूंग और मसूर का, मूंग मसूर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तो खाना चाहिए। और ये करेला हम बनाएंगे थोड़ा प्याज डालकर, अपने लिए सूखी सब्जी बनाएंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है दाल चावल पर, और उसके साथ
अभी देखिए सलाद वगैरह काटेंगे तो बाद में काटेंगे, तो फिलहाल तो ये सब बनाना है फटाफट, तो लगे रहते हैं और जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ईशान के भी आने का टाइम हो गया है और ईशान आ गया है स्कूल से, मेरा वो सब बन गया था, सब्जी भी लगभग 5 मिनट में बन जाएगी, सूखी सब्जी बना रहे हैं और चावल चढ़ा हुआ है प्रेशर कुकर में और ईशान लगा हुआ है नहाने में। तो 12:30 हो चुका है, ईशान आया था 12:45 में, थोड़ा तुरंत नहाने नहीं देते हो, नहा कर नहीं जाता ना, तो बोल रहा था वीडियो नहीं बनाओ, बोले ऊपर ले रहे हैं नीचे नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है तुम ना लो, बोला था मम्मी नहीं लो दिख जाएगा, बोले नहीं दिखेगा, कूदो मत, कूदोगे तो दिख जाएगा तो यही है बच्चा है बाथरूम में। और शावर से अभी दोपहर में गर्म हो जाता है ना पाइप का पानी, टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है लगता है गीजर का पानी आ रहा है, तो ये बकेट वगैरह में बाल्टी वगैरह में भर के मतलब रखा रहता है, बकेट और बाल्टी तो एक ही होता है आप लोग समझ सकते हैं, तो भर के रखा रहता है इसके लिए नहाने के लिए पानी, तो बस तीनों बाल्टी का पानी गिरा देना है। और खाना वाना खाकर हम लोग बैठ गए हैं एक मूवी देखने बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ईशान देखने नहीं देता है हम लोगों को कुछ और इधर हम लोग देख भी नहीं रहे थे, तो मन हुआ कि भूल भुलैया देखा जाए, और ये मूवी पता नहीं कितनी बार हम लोग देख लिए हैं, तो जो लोग देखे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कितनी हंसी आती है ये देखने में। अक्षय कुमार की भूल भुलैया है पुरानी वाली, कार्तिक आर्यन की तो उसके बाद आई थी भूल भुलैया 2, वो भी अच्छी मूवी है, लेकिन ये वाली ज़्यादा पसंद है मुझे, तो यही हम लोग देख रहे थे। और गर्मी के दिन में अंधेरा करके देखिए तो बहुत मज़ा आता है ना, तो ठंडा ठंडा लग रहा है, बाल भी हम धो लिए हैं अपना और मूवी देख रहे हैं। तो मूवी देखने के बाद ईशान सो गया और हम आ गए वीडियो को एंड करने के लिए। तो आज बट सावित्री पूजा है, आप लोग जितनी भी महिलाएं बट सावित्री पूजा की होंगी, व्रत रखी होंगी, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के सुहाग को माँ पार्वती हमेशा बनाए रखें और आप लोग दोनों में प्रेम बना रहे, खुश रहें। तो वही है कि आज सुहागनों का दिन है और थोड़ा सा मन उदास हो जाता है ना, क्योंकि हम भी किया करते थे, लेकिन फिर भी खैर कोई नहीं, यही जिंदगी है। और ऐसे ही तबीयत इतना खराब रहता है कि ज़्यादा टेंशन लेने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो सोचते हैं टेंशन कम ही लिया करें, फिर भी एक ऐसा दुख होता है जो कि अंदर से जाता ही नहीं, सीने से निकलता ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मॉर्निंग में हम बता रहे थे कि मेहंदी लगाने में लेट क्यों हुआ, हम सोचे थे 8 बजे तक लगा लेंगे, क्योंकि 8 बजे तक तो हम नहा लिए थे, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाए, लेट हो गया, क्योंकि माँ का फाइल नहीं मिल रहा था, जो डॉक्टर से माँ का इलाज चलता है तो उनका फाइल ही नहीं मिल रहा था और हम बहुत परेशान हो गए। और सच में हम कभी कभी अपने आप पर, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि हम चीज़ों को क्यों इतनी जल्दी भूलने लगे हैं। कोई सामान कहीं रख देते हैं तो याद ही नहीं रहता है, फिर बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, और सच में हम अपने आप से, हमको बहुत बहुत गुस्सा आता है कि पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, लेकिन क्या कह सकते हैं, टेंशन और परेशानी हर चीज़ का कारण है। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और फिर से एक बार बट सावित्री पूजा की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय।